हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये एवलॉन 2013 मॉडल का स्मार्ट है, ठीक है। ये 2013 मॉडल का स्मार्ट है, ये स्टेयरिंग लॉक है, सही है। इसका अभी मैं सिस्टम बनाया हूँ, पूरा बेंच वाया बेंच के ऊपर प्रोग्राम। ये इसके अंदर मैंने लगाया हुआ BCM, ठीक है। ये कैमरी का BCM है, कैमरी 2014 15 16 मॉडल का। ये बटन है, सही है। अभी इग्निशन स्विच ऑन है, अभी देखो। ये है ड्राइवर साइड का डोर स्विच। अभी इसको मैं टच करूँगा, छोड़ूंगा, आवाज़ करेगा, क्योंकि गाड़ी इग्निशन स्विच ऑन मोड पे है, इसलिए गाड़ी आवाज़ कर रही है। ये देखें, सही है। अब ये इग्निशन स्विच ऑन है, सही है। ये देखें, लाइट भी चल रही है। क्लियर करके दिखाता हूँ, ये देखें। अभी इसको मैं बंद कर दूंगा, स्विच ऑफ हो गया। अब इसको मैं जोड़ूंगा, देखो स्टेयरिंग लॉक जो है ना, लॉक हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। अभी इग्निशन स्विच इसका ऑन करना है, अभी ऐसा नहीं होएगा, लाजम ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये देखिए, इग्निशन स्विच ऑन हो गया, सही है। तो ये ऐसा सिस्टम है। ये देखिए, अभी मैं दोबारा डोर स्विच लगा के छोड़ूंगा, आवाज़ करेगा। देखो, अब ये कंप्लीट नहीं बना है, इंशाल्लाह कंप्लीट बनाऊंगा, पूरी वीडियो फिर बनाऊंगा। ये देखें, ये डोर कंट्रोल रिसीवर की वायर है, ठीक है। इधर अभी डोर कंट्रोल रिसीवर लगेगा, जब फिर ये रिमोट काम करने लग जाएगा, ये रिमोट अनलॉक लॉक करेगा। और ये एरियल है, स्मार्ट एरियल, ये जो सिग्नल पकड़ेगा ना, जो रिमोट करीब होएगा, तो इधर ऊपर रखने, बटन को ऊपर रखने का ज़रूरत नहीं है इसको, फिर दूर से ही स्विच ऑन हो जाएगा, सही है। अभी मैंने थोड़ा सा बनाया था, मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखें अभी, ठीक है। अभी मैं इसका इग्निशन स्विच को ऑफ कर देता हूँ, सही है। ये बंद कर दिया मैंने, अभी मैं इसको देखो टच करूँगा और स्टेयरिंग लॉक जो है ना, लॉक मोड में चला जाएगा। ये देखें, ये देखें, लॉक हो गया अभी, ठीक है। ये मैंने बॉक्स बनाया था, क्यों नई गाड़ी में मसला आ रहा है, प्रोग्राम करते हैं तो स्टेयरिंग लॉक काम नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर इम्बोलाइजर नहीं है, इसके अंदर स्मार्ट है और स्टेयरिंग लॉक है, बस और कुछ नहीं है। तो इसका क्या मसला आता है, की प्रोग्रामिंग हो जाता है कभी कभी, स्टेयरिंग लॉक जो है काम नहीं करता है, उसकी वजह से स्कॉटी लाइट इसका ऑफ नहीं होता है, स्कॉटी का लाइट बंद नहीं होता है, इग्निशन स्विच ऑन मोड पे बंद नहीं होता है। फिर अभी इसका मैंने ये सिस्टम बनाया है, इसलिए इधर बेंच के ऊपर बैठ के इसमें फाइलें बना के पूरा रेडी करके, इधर स्कॉटी लाइट बंद करके, तो पूरा जो है ना काम करके, फिर गाड़ी के अंदर आराम से लेकर जाओ, क्यों आने जाने का मसला है, गाड़ी के अंदर आओ फिर जाओ, ये चीज़ होता है। इसलिए अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं है, इधर स्कॉटी की लाइट लगेगी, पूरा सिस्टम बनेगा इसके ऊपर अभी, और भी इधर पूरा एक फ्रेम लगाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पूरा काम करेंगे। तो मैंने बोला चलो थोड़ी सी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, भाई को किसी को पसंद आए, और अगर इसके बारे में और वीडियो जानकारी चाहिए तो फिर कमेंट में बताएं और शेयर करें, मेरे ये वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, ठीक है।